टू द चैनल। सो बहुत दिनों बाद हम लोग आ गए हैं, मतलब हाँ एक 3-4 महीने का तो गैप हो ही गया है। सो आज हम लोग आ गए एक अच्छी जगह पे। डिस्क्रिप्शन देखे तो खैर पता चल ही गया होगा, तो बता ही देते, छुपाने के मतलब नहीं बनता। सो हाँ, हम लोग आ गए महाबलीपुरम। सो यहाँ पे महाब रिजॉर्ट्स में हम लोग निकले। सो हम लोग कल ही आ गए थे, बट बहुत थक गए थे तो इसलिए और ब्लॉग वगैरह कुछ किया नहीं है। ये जो महाब रिजॉर्ट जिसमें हम लोग रुके हैं, अच्छी जगह है, काफ़ी रीजनेबल भी है। डिटेल्स मैं आप लोग को बाद में दूंगा, थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ यहाँ का व्यू है। फिर से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग जाएंगे, नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बाहर निकल पड़ेंगे घूमने के लिए। सो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो बने रहिएगा हम लोग के साथ, मिलेंगे आगे। तो भाई ये देखिए खाना ले चुके हैं, डोसा पूरी थोड़ा चाय का सिर्फ ले लो। तो भाई आप लोग को ज़रा टूर देते हैं का। ब्रेड पीते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली अभी जो है खाना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बट आप लोग को ओवरऑल ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पे अच्छा ही लगा होगा देख के। सो अब निकलेंगे, अब जस्ट रूम में जाएंगे, चेंज करेंगे और निकल चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो इसीलिए हम लोग जिस होटल में हैं तो वहाँ पे स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं चिल करने के लिए। हम लोग को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे महाबलीपुरम पूरा कवर करने का, बट इतना गर्मी है कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। जितना गर्मी है बाहर सच में निकलने का मन नहीं कर रहा है, बट जाएंगे, शोर टेंपल जाएंगे, कुछ कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे और होटल पे आके चिल करेंगे। तो सो हम लोग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं, अब बस तैयार हो चुके हैं, निकल रहे हैं अर्जुना पैलेस। सो गाइस जस्ट हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और इस होटल की खासियत ही यही है, बीच में ही है, और ये जो है जस्ट निकल के ही अर्जुना पैलेस जो है जगह, वो होटल के ऑपोजिट में ही है। तो ये गेट जैसे आप लोग गेट के ऑपोजिट साइड उधर जहाँ गाड़ी जा रही थी, तो बस वहीं पे ही है। सो आज हम लोग अभी अर्जुना पैलेस जाएंगे, फिर वहाँ से शोर टेम्पल इतना ही कवर करेंगे, और अगर कुछ हो पाएगा तो वो भी कवर करेंगे। गाइज ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, अगर आप देख लें, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये इंग्लिश में, हिंदी में और तमिल में। सो गाइज ये जो है बहुत बड़ा कैंपस है, ये मतलब अंदर जो है कई सारे टेम्पल्स हैं, शोर टेम्पल भी इधर से पास में ही है। इसके बारे में अगर बता, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब ये सारे स्टोन से कार्व्ड है, दीज आर ऑल मोनोलिथ्स, अलग अलग स्टोन नहीं, एक ही स्टोन से कार्व्ड है। अगर देखोगे ये साइड्स पर, अगर देखो ये यहाँ पे आप साइड पे कटिंग नहीं देखोगे, मैं थोड़ा दूर का सिग्निफिकेंस क्या है कि इस जगह पे बैठ गए अर्जुन ने जो है तपस्या की थी, शिव जी की तपस्या की थी ड्यूरिंग महाभारत, टू गेट उनका जो वेपन था
शिव जी का, वो उन्होंने प्राप्त किया था यहाँ पे तपस्या करते हैं। और इस जगह में मतलब अगर ओम भी करेंगे यू गेट द एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी फील होता है इस जगह। ये देखिए बाहर से, जहाँ हम लोग अभी अंदर थे उसी को बाहर से आप देखेंगे। ब्यूटीफुल सारा सिंगल स्टोन पे यहाँ पे कार्विंग किया हुआ है। अच्छा अगर बोल दे तो ये महाबलीपुरम में जो है मतलब स्कल्पचरिंग काफ़ी देखने को मिला, सिटी से अंदर घुसते टाइम भी हम लोग को काफ़ी जगह में देखने को मिला, अच्छे अच्छे मतलब स्कल्पचर्स थे। गाइस देख रहे हैं अभी विष्णु भगवान का भी स्कल्पचर है इधर, अगर देख सकते हैं आगे वो है इधर द्रोणाचार्य, मतलब पांडव में जितने भी थे सबका ही यहाँ पे काव किया गया हुआ है, सारे भगवान का स्कल्पचर यहाँ पे काव उठा है। और ये आज का नहीं, मतलब बहुत पुराना ही है, फ्रॉम द पांडव एज। तो आगे चलेंगे यहीं पे, इसी कैंपस में आगे जो है कृष्णास बटर बॉल है, थोड़ा चलना पड़ेगा गर्मी भी हो रही है, पानी वानी पी के चलेंगे आगे। अंदर ही चलते चलते काफ़ी बड़ा है ये, अच्छा ये है कृष्णास बटर बॉल। तो कृष्णास बटर बॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब कृष्ण भगवान को पसंद था ना मक्खन, सो ये एकदम वैसे बॉल जैसा है और उसी टाइप का, जैसे बॉल बनाते हैं कृष्णा जी अगर बनाते थे माखन का बॉल, सो उसी टाइप में दिखने में, इसीलिए इसका नाम रखा है। मेरे ख्याल से यही है, बट आगे देखते हैं क्या उसमें लिखा ज़रूर होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिटेल ज़रूर लिखा होगा कि क्यों ऐसा है। तो गाइस ये कृष्णास बटर बॉल के लिए जो है ना यहाँ पे एंट्री टिकट है, एक्चुअली कई चीज़ें हैं और यहाँ पे देखा गणेश रथ, इस साइड जाएंगे तो तिरुमति त्रिमूर्ति केव टेम्पल, दैट इज विष्णु। ये देखिए ये पता है स्लोप में है और ये गिरता नहीं है, मतलब ये कई हजारों सालों से है। मैं गिर गई थी धड़ाम से, कुछ हुआ नहीं हालांकि। क्या मजा आ रहा तुमको? जब आप लोग इधर आएंगे ना ये शॉर्टकट वाला जो रास्ता है इधर से बताइएगा, आगे इधर से घूम के ये फिर इधर आइए तो ठीक है, नहीं तो बहुत स्लिपरी है तो आप लोग मेरे तरह और दिखाया नहीं है लेकिन मजा आ गया था देख के। कहाँ डाले अर्जुना पेनेंस और कृष्णा बटर बॉल, अभी 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है शोर टेम्पल, जस्ट निकल के आप लेफ्ट जाओगे रोड क्रॉस होके यही है, ट्रैफिक लग गई है अच्छी खासी भाई साहब। और सामने बस स्टॉप भी है, गजब गर्मी है लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी कुछ दिख रहा है मुझे, जैसे निकल के देखिए मद्रास क्रॉनिकल्स, छोटा छोटा मार्केट भी है। अच्छी जगह है मतलब गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था ये देखिए थक गया है, हाँ मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर स्कल्पचर के अच्छे अच्छे मतलब मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये देख लीजिए दुकान देखिए सारे स्टोन बेस्ड है बुद्ध जी हनुमान जी। अगर
सो गाइस हम लोग आ गए ये शोर टेम्पल, ज़्यादा दूर नहीं है। और मज़े की बात ये है, जो टिकट हम लोग ने लिया था बटर बॉल में, वही सेम टिकट इज फॉर शोर टेम्पल एज वेल। कल कह रहे मंडे को शायद बंद रहता है, तो वो ध्यान में रख के आइएगा। आज संडे है, हाँ कन्फर्म कर लेंगे एक बार, आगे जाएंगे देखेंगे, कन्फर्म करते फिर आप लोग बताते हैं। लेकिन बहुत सीनिक है, जस्ट ये टेम्पल, टेम्पल के पीछे पूरा बे ऑफ बंगाल। Following you, beta. Run, run, run. ये लोग कह रहे थे जब सुनामी आया था उस टाइम, क्योंकि जस्ट बीच के पास ही है, सुनामी के टाइम पे पूरा डूब गया था, पूरा मंदिर डूब गया था। राइट साइड जाके जस्ट इसके पीछे ही जो है पूरा सी है। ये देखिए जस्ट यहीं पे बीच है शोर टेम्पल। सो गाइस घूम घाम के आ गए, अब जा रहे स्विमिंग करने, शावर आवर ले लिया तानी और इमान ऑलरेडी पूल पे, मजा आ रहा है। जल्दी से फटाफट मैं भी जाता हूँ अंदर। ये 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 तो तानिया मजा आ रहा है, इतनी थकावट गर्मी के बाद स्विमिंग पूल में। बूम 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 बूम। तो गाइस पहले स्विमिंग कर लेते थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, यहाँ तक अगर देख लिया है, देख लिया तो बिना लाइक के बिल्कुल मत जाना। तो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।